हेलो दोस्तों, कांडपाल किचन एंड व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं टमाटर से बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटी रेसिपी बनाने जा रही हूँ। आइए देखें कैसे बनती है ये चटपटी रेसिपी, जिसका नाम है टमाटर का रस्सा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। टमाटर का रस्सा बनाने के लिए मैंने 5-6 बड़े बड़े टमाटरों को काट कर चॉपर में डाल दिया है और ये 4-5 तीखी हरी मिर्च। बहुत अच्छे से ये ग्राइंड हो गया है। कढ़ाई में 1 सर्विंग स्पून सरसों का तेल अच्छे से गर्म किया। चेक करते हैं, जी हाँ हो गया। जीरा हल्का ब्राउन होने पर अच्छी सी हींग और ये टमाटर का पेस्ट, थोड़ी सी हल्दी, 1 टुकड़ा अदरक, मिर्च, इसलिए कि मैं थोड़ा तीखा खाती हूँ, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च रंगत के लिए। ग्राइंडर में ही जो लगा हुआ टमाटर था उसमें मैंने पानी डाल के सब निकाल लिया है और ज़रूरत के अनुसार पानी, स्वाद के अनुसार नमक, सबको मिक्स करें। अच्छे से मिक्स करना है। बहुत ही कम मसालों में बनने वाला ये टमाटर का रसा होता है और चावल के साथ, रोटी के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। ना इसमें गरम मसाला पड़ेगा, ना इसमें धनिया पाउडर। बहुत सादगी भरा होता है ये रसा। जाड़ों में तो गर्मा गर्म चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है। उबाल आने पर बस इसको ढककर 2 मिनट ही पकाएंगे, वो भी धीमी आंच पर। परोसने के लिए बिल्कुल तैयार। स्वाद और सुगंध के लिए गर्मा गर्म चावल। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताएं और मेरे चैनल कांडपाल किचन एंड ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसको आप जाड़ों के दिनों में गर्मा गर्म सूप की तरह भी पी सकते हैं। बहुत ही कम मसाले में बना है, ज़रूर बनाएं। एक बार इसका स्वाद लेके देखें, बार बार बनाएंगे। अगली वीडियो का इंतज़ार करें, तब तक के लिए धन्यवाद।